नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 100 कंपनियों को तैनात करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। फिलहाल आपको बताएं कि किस वजह से ये पूरी जानकारी सामने आई है। सीधे तौर पर अपने संवाददाता के पास चले जाएंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इस पर पूरी राय। तो रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ बातें हुई। देखिए, यही कहा जा रहा है कि जो होम मिनिस्ट्री ने अब बाजार तौर पर अनाउंस किया है कि यहाँ पे 100 कंपनियां यहाँ पे तैनात की जाएगी एक्स्ट्रा, जिनमें सीआरपी है, एसएसबी है और भी कई फौजी चौकी है। तो इसमें अब काफी मामले सामने आ रहे हैं कि एक तो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन की वजह से यहाँ पे ज्यादा इनको लाया जा रहा है, और दूसरा कि चाहे पहले ही जो सरकार जब बनी तो होम मिनिस्टर ने इशारा दिया था कि यहाँ पे जो कानून बनाए गए, चाहे 35 एक ही बात हो रही है, तो ऐसे कानून जो बने हैं तो उनको खत्म करना है, क्योंकि उनसे रियासत जम्मू कश्मीर में जो तामीर तरक्की है वो रुकी हुई है। तो इस पे शायद ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, और अगर सोशल नेटवर्क साइट्स की बात करें तो ज्यादा पर लोग अब इसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि शायद 35 ए के हवाले से, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि यात्रा के बाद इस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर भी ये है कि एनएसए अजीत डोभाल जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, सीक्रेट मिशन पर वो है, तो उस वजह से भी कंपनियों को तैनात किया गया है। देखिए, ये भी एक इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि जो अजीत डोगल यहाँ पे हैं और सीक्रेट उन्होंने यहाँ के जो फौजी सरबराह है या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसरान है उनके साथ मीटिंग की है, और मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है वो बाहर नहीं आया, क्योंकि अगर जो फौजी सरबराह यहाँ के या जो फौजी अफसरान जो मीटिंग में थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि एक तो यहाँ पे इस तरह की मीटिंग होना, दूसरा अब बाजाबत तौर पर होम मिनिस्टर से ऑर्डर्स आना कि यहाँ पे 100 कंपनियां तैनात की जा सकती है, और पहले ही ये इशारा दिया गया था कि यात्रा के बाद 35A के हवाले से डिसीजन आने वाला है। तो ऐसे में लोगों में काफी तश्वीश है और टेंस है, और ऐसे में बातें चल रही है अब सोशल नेटवर्क साइट पे या बाकी जगह पे कि शायद 35A के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूफ पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रूफ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनका भी यही कहना है कि सूत्रों के हवाले से काफी ज्यादा खबरें जो है वो अब वायरल होना शुरू हो गई है। कोई कहता है कि 35A को हटाने के लिए 100 कंपनियों को तैनात किया गया है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन पर ये पूरी 100 कंपनियां तैनात की गई हैं क्योंकि अब साल के अंत में चुनावी माहौल भी गमगीन होने वाला है, चुनाव सर पर हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भी 100 कंपनियों की तैनाती की गई। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा के तुरंत बाद 35A को हटाने का मुद्दा भी गर्माता जाएगा, और उसी को खत्म करने के लिए 100 कंपनियां लगातार यहां पर तैनात की गई है। लेकिन अब एक और बात सामने ये भी आती है कि एनएसए अजीत डोभाल भी सीक्रेट मिशन पर रियासत जम्मू कश्मीर में है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपको बताते चलूं कि इस वक्त की बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 100 कंपनियों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से 100 कंपनियों को तैनात यहां पर किया गया है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया जाएगा, और साथ ही साथ या फिर इलेक्शन का माहौल है उस वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 100 कंपनियों को तैनात किया गया है। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।